नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। दोस्तों, फिल्म गदर 2 ने बनाया बिग रिकॉर्ड और इस रिकॉर्ड को देखते हुए पहली बार सलमान खान ने फिल्म को लेकर चुप्पी तोड़ी। इसी हम बताएंगे और साथ ही साथ आपको गदर 2 ने हाल ही में रिलीज हुई किन किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है और क्या सच में गदर 2 पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ पाई है या फिर नहीं, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, फिल्म गदर 2 ने आज वीकेंड पर 45 करोड़ रुपए का धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और इसी के साथ फिल्म गदर 2 ने भारत में 376 करोड़ रुपए का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। वहीं आपको बता दें, हाल ही में गदर 2 ने आदि पुरुष का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ने के लिए गदर 2 तैयार है। वैसे सही मायने में देखा जाए तो भारत में गदर 2 ने पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि फिल्म पठान के टाइम पर भारत के सिनेमाघरों में इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली थी। खैर, एक तरफ लोग पठान का कलेक्शन फेक भी बताते नजर आए हैं, लेकिन इस पर कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको फिल्म पठान के कलेक्शन पर क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अब आपको बताते हैं आखिर फिल्म गदर 2 के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए सलमान खान ने क्या कहा। वैसे तो सलमान ने फिल्म की खूब तारीफ की और कहा कि सनी पाजी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बड़ी एक हिट फिल्में दी हैं। कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में और गदर 2 भी एक जबरदस्त फिल्म है। इस फिल्म को हर एक भारतीय को बार बार देखना चाहिए। इसके साथ ही सलमान ने गदर 2 के कलेक्शन को लेकर कहा कि फिल्म मेरे ख्याल से 1000 करोड़ रुपए को आराम से पार कर लेगी। अब आखिर में आप लोग भी गदर 2 के लिए एक लाइक याद से कीजिएगा। धन्यवाद।